टिकटॉक वापसी को लेकर दोस्तों बहुत सारा न्यूज आपको देखने को मिला होगा यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अब तक का रियल फैक्ट न्यूज में जो बताने वाला वो बिल्कुल रियल होने वाला दोस्तों। इस वीडियो में सरकार ने इसके ऊपर परमानेंट बैन हाल ही में जारी कर दिया दोस्तों, इन सबको नोटिस भेज दिया उन सब चाइनीज ऐप को जो 29 जून 2020 में पिछले साल बैन हुए थे दोस्तों। तो यहाँ पर टिकटॉक का आना मुश्किल सा बढ़ गया दोस्तों, और टिकटॉक ने इसी बात को लेकर इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया, भावुक सा पोस्ट दोस्तों जो कि कहने लायक नहीं रहा। यानी दोस्तों टिकटॉक का साफ साफ कहना है कि आप लोग का सपोर्ट रहा, आई होप सपोर्ट अगर रहा आप लोग का जोर रहा तो हो सकता है इंडिया में फिर से वापसी कर सकता है, किस इस तरह का उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। लेकिन यहाँ पे टिकटॉक का एक और नया न्यूज, लेटेस्ट न्यूज सुनने को मिल रहा है दोस्तों कि टिकटॉक अब एंड्रॉयड टीवी के लिए उपलब्ध है। बिल्कुल दोस्तों टिकटॉक की कमी अब आपको महसूस बिल्कुल नहीं होने वाला। अब ये स्मार्टफोन में बिल्कुल बैन हो चुका है, लेकिन अब ये एंड्रॉयड टीवी में बिल्कुल टिकटॉक यूज कर सकते हो यार। अगर आपके पास एंड्रॉयड टीवी है, अगर आप टिकटॉक के बहुत बड़े आप अगर चॉइस हो, आपको टिकटॉक से ज़्यादा लगाव है, तो आप इसके ऊपर एंड्रॉयड टीवी एक ले सकते हो। एंड्रॉयड टीवी में बिल्कुल आप प्ले स्टोर के माध्यम से वहाँ पे आप आसानी से इस एप्लीकेशन टिकटॉक को यूज कर सकते हो, साथ ही वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो, सारा चीज़ बना सकते हो। जितना चीज़ आप अपने स्मार्टफोन में करते थे उतना चीज़ आप एंड्रॉयड टीवी में कर सकते हो दोस्तों। यानी कि एंड्रॉयड टीवी के लिए टिकटॉक बहुत अवेलेबल जल्द ही आने वाला दोस्तों। इसके टिकटॉक का जो डेवलपर्स हैं, के ऐप डेवलपर्स, इन सब ने काफ़ी जोर के बाद, काफ़ी बहुत सारे स्ट्रगल के बाद इन्होंने फाइनली इंडिया की मार्केट को भूलना नहीं चाहा, जिसकी वजह से इन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया जो था एंड्रॉयड टीवी में दोस्तों टिकटॉक अवेलेबल आ जाने वाला है दोस्तों। बहुत जल्द टिकटॉक आ चुका है, तो आप बिल्कुल आप एंड्रॉयड टीवी में ही यूज कर सकते हो, या स्मार्टफोन में बिल्कुल बैन है। और ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज थी, मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ। अब दोस्तों बात आती है स्मार्टफोन के बारे में, तो देखिए दोस्तों टिकटॉक अब परमानेंट बैन जब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लगा दिया, तो बिल्कुल हो सकता है वापसी नहीं भी हो। मुझे तो लग रहा है कि वापसी नहीं ही कर सकता है टिकटॉक, वापस फिर आएगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका क्या वैसे ओपिनियन है मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए, क्या रियल में टिकटॉक फिर से वापस आना चाहिए और आ सकता है क्या, आप मुझे कमेंट बताइए। अब बात करते हैं टिकटॉक नहीं बनने के बाद आप क्या कर सकते हो। फिलहाल आप यूट्यूब शॉर्ट्स को यूज कर सकते हो पहला प्लेटफॉर्म, दूसरा प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के रील्स को यूज कर सकते हो, जो इन सब ये दो एप्लीकेशन है जो आपको टिकटॉक की कमी महसूस नहीं होने देगा। बिल्कुल टिकटॉक जैसा फीचर आपको जॉस ऐप में देखने को मिलेगा, और उसके बाद मौज ऐप में देखने को मिलेगा, और ये रील्स में देखने को मिलेगा। ये तीन ऐसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, जिसमें आप टिकटॉक जैसा सारा कुछ कर सकते हो। बिल्कुल वैसा ही सेम सॉन्ग भी यूज कर सकते हो, वैसा ही फिल्टर भी यूज कर सकते हो लगभग में, और वैसा ही सेम सारा फीचर उसके अंदर भी देखने को मिलेगा। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट, टिकटॉक की कमी अब दूर होगा एंड्रॉयड टीवी के साथ, बहुत जल्द आप आसानी से यूज कर पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। अपना प्यार बरसाए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइए प्लीज़, आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भगवान का आपका दिन स्वर्ग दो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।